हेलो दोस्तों, ECG एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर, जो हमारी रेशनल नंबर से रिलेटेड सीरीज का तीसरा वीडियो है। तो बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होती है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है? ए डिवाइडेड बाई बी, यानी ये जो रिजल्ट होता है ये वही होता है कि ए में बी से भाग देने पे जो संख्या आती है उसके इक्वल होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए अपॉन बी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। रेशनल नंबर डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं रेशनल नंबर। ए नंबर That can be expressed in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0 is defined as a रेशनल नंबर। तो क्या होता है रेशनल नंबर? ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट डिफाइन एज ए रेशनल नंबर। कहने का आशय ये, अगर कोई भी नंबर, कैसा भी नंबर हो, हम उसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, व्यक्त कर पा रहे हैं। कंडीशन क्या है कि पी और क्यू दोनों कैसे होने चाहिए? पी और क्यू पे भी कंडीशन होगी ना। नंबर तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, वाई कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, क्वारंटियंस होते हैं, ठीक है, हाइपरबोलिक होते हैं, बाई हाइपरबोलिक होते हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो P और Q पे कंडीशन क्या है? P और Q क्या है? क्या ये घोड़े हैं? क्या है इसके बारे में भी तो बताना है। तो ऐसा नंबर जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त किया जा रहा है, और जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला जो वो कैसा इंटीजर्स है? वो भाई ऐसा इंटीजर्स है जो जीरो भी नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी नंबर्स को हम P अपॉन Q की फॉर्म में व्यक्त कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कैसे भी, वो हमारे ऊपर है कैसे व्यक्त करना है, अगर हम कर पा रहे हैं तो हम उस नंबर को कहते हैं दैट नंबर इज नोन एज ए रेशनल नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल टू, चेक करना है क्या टू एक रेशनल नंबर है कि नहीं। तो आप देखिए कि क्या टू को आप पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे? पी अपॉन क्यू, यानी ऊपर एक संख्या होनी चाहिए, नीचे एक संख्या होनी चाहिए, डैश होना चाहिए, और ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। बताओ लिख पा रहे हैं? यस। कैसे लिख पा रहे हैं? क्योंकि टू इक्वल टू होता है टू अपॉन वन। ये कैसे होता है? अभी हमने बताया टू अपॉन वन का मतलब क्या होता है। देखिए, टू अपॉन वन का मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 डिवाइडेड बाई 1। अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ देखिए कि ए अपॉन बी का मतलब है ए में बी से भाग देना, 2 अपॉन 1 का मतलब 2 में बी 1 से भाग देना। तो यानी कि 2 में 1 से भाग देंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आएगा, ये जो रिजल्ट होता है, ये रिजल्ट होता है इसके इक्वल। तो देखिए भाग देखिए 1 2 या 2, डैट इज यहाँ जो आंसर आया वो आ गया 2।
दैट इज 2 अपॉन 1 जो इक्वल होता है 2 डिवाइडेड 1 दैट इज 2 के इक्वल। समझ गए? यानी कि 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 और 2 को हम लिख पा रहे हैं, 2 को हम लिख पा रहे हैं 2 अपॉन 1 की फॉर्म में। अब क्या ये इंटीजर्स है? यस। क्या ये इंटीजर्स है? यस। क्या नीचे वाला जीरो तो नहीं है? नहीं है। इसलिए 2 इज ए रेशनल नंबर। हाँ, एक और बात, रेशनल नंबर की फैमिली को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से। यानी ऐसा फैमिली जहाँ सारे रेशनल नंबर होते हैं, सभी रेशनल नंबर को हम इकट्ठा कर लें और एक बैग में, एक पैकेट में बंद कर दें, उस पैकेट को कहेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, फैमिली ऑफ नेचुरल, सॉरी, सेट ऑफ रेशनल नंबर, फैमिली ऑफ रेशनल नंबर, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। दैट इज कैपिटल क्यू इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो कैपिटल की वो क्या हो गया? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो 2 इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्या 2 अपॉन 1 रेशनल है? यस। तो हम लिखेंगे दिस बिलोंग्स टू क्यू। अच्छा, आप कोई भी नंबर लो, 3 इक्वल टू, हम ऐसे नहीं लिख सकते 5 माइनस 2, क्या ये 3 नहीं है? है ना 3। क्या 3 ये नहीं है क्या? 6 अपॉन 2। यस। तो 3 को आपने एक्सप्रेस कर दिया पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, कर दिया कि नहीं? यहाँ 6 भी इंटीजर्स है और 2 भी इंटीजर्स है। दैट इज 3 कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या देखा आपने कि कोई भी नेचुरल नंबर हो और उसके नीचे 1 लिख दें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि अगर 1 से उसमें भाग देंगे तो यहाँ जो संख्या आएगी वो वही रेशनल नंबर आएगी। और अभी हमने बताया कि a अपॉन b का मतलब है a में b से भाग देना। तो यानी कि हम समझ सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर होता है, यानी हर प्राकृतिक संख्या एक रेशनल को परमेय कहते हैं हिंदी में, हर प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या होती है। वट क्या उल्टा अगर देखें, ऐसे तो कह दिया हमने कि हर प्राकृतिक संख्या एक परमेय संख्या होती है, क्या हर परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसी कोई संख्या दो हमको, वो क्या हम देते हैं, जैसे हमने दिया 3 अपॉन 5। तो चेक करो क्या 3 अपॉन 5 रेशनल है कि नहीं। यस, 3 अपॉन 5 इज ए रेशनल नंबर। कैसे पता लगा हमें? क्योंकि 3 अपॉन 5 ऐसा लिख रहा है पी अपॉन क्यू जैसा, यहाँ पी कितना है 3, क्यू कितना है 5। तो 3 अपॉन 5 कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। साथ ही देखो 3 इंटीजर्स भी है और 5 भी इंटीजर्स है, 5 0 नहीं है। ठीक है, तो 3 अपॉन 5 कैसा नंबर्स है? इंटीजर्स। अब क्या 3 अपॉन 5 नेचुरल नंबर है? तो 3 अपॉन 5 कितना होता है, कैसे पता करेंगे? 3 इसका हमने अभी बताया था, इसका मतलब होता है 3 में 5 से भाग देने पर जो रिजल्ट आता है, तो ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली से भाग देने पर जो रिजल्ट आता है, तो डिवाइड किया हमने 5 का 3 में, डिवाइड नहीं किया जा रहा, हमने डेसिमल लिया, फिर 0 लिखा, 5 6 30, तो कितना आ गया 0.6। तो क्या आया 3 अपॉन 5 इक्वल टू है 0.6। और नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, पॉइंट में तो होता ही नहीं है। तो 0.6 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, और नेचुरल नंबर 1 या 1 से बड़े होते हैं। तो 0.6 एक नेचुरल नंबर नहीं है, और 0.6 है क्या? 3 अपॉन 5 ही तो है। तो 3 अपॉन 5 एक नेचुरल नंबर नहीं है। दैट इज 3 अपॉन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू
हैं। तो आपको क्या रिजल्ट मिला? आपको रिजल्ट मिला कि हर प्राकृतिक संख्या एक रेशनल नंबर होती है। व्हाट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी रेशनल नंबर नीड, हाँ कन्वर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि यह आवश्यक नहीं है कि हर परमेय संख्या एक प्राकृतिक संख्या हो। ओके, तो आपके लिए ये काम है, आपको बताना है क्या हर इंटीजर से एक रेशनल नंबर होता है। नोट कर लीजिएगा आप, आपको बताना है क्या हर इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होता है। उल्टा भी बताना है, क्या हर रेशनल नंबर एक इंटीजर्स होता है? अगर होता है तो क्यों होता है, नहीं होता तो आप एक चीज़ बतानी है, एक रिजल्ट देना है कि इस वजह से हर रेशनल नंबर एक इंटीजर्स नहीं होता। इसी तरह आपके पास देखिए आप कौन कौन से सेट हो गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और एक नई एंट्री अभी मारी है तूने, मारी एंट्रिया दिल में बजी घंटिया, कौन सा सेट है ये, सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो आपको ये अब डिस्कस करना है इसमें कि देखिए यहाँ हम एक एक करके डिस्कस करें, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, हर होल नंबर एक इंटीजर्स होता है। अब इसको रिवर्स देखें कि क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, यह ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीरो एक होल नंबर है बट जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्या हर इंटीजर्स एक होल नंबर होता है? ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि माइनस वन जो नेगेटिव संख्याएं हैं वो इंटीजर्स तो होती हैं, जैसे माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, बट वो होल नंबर नहीं होती। आगे चलते हैं, क्या हर रेशनल नंबर एक इंटीजर्स होता है? ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अभी हमने एग्जाम्पल दिया कि 3/5 इज ए रेशनल नंबर बट 3/5 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर भी नहीं है ये। ओके, क्या हर इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है? ओबियसली, कोई भी आप इंटीजर लें, लाइक मैंने लिया जीरो, तो बताइए जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं, बताइए। क्या जीरो को हम लिख पाएंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में? देखिए आप जो डिवीजन जो ऑपरेशन आया है ये एक्चुअली में मल्टीप्लाई से बना है। कैसे बना है कि डिवीजन की जो डेफिनेशन दी गई थी, कैसे दी गई थी कि v में a का डिवाइड करने पे एक ऐसी संख्या c मिलती है सच दैट a का c में मल्टीप्लाई करने पर वी आई। तो यानी कि अगर बी में ए से भाग करेंगे तो एक ऐसी संख्या सी मिलनी चाहिए जो ए में सी का मल्टीप्लाई करने पे बी आए। अगर ऐसी संख्या सी मिल जाए तब हम कहेंगे कि बी में ए का डिवाइड करने पे सी आता है। तो डिवीजन जो है ऑपरेशन वो मल्टीप्लिकेशन से बना है। फॉर एग्जांपल 6/3 डेट इज 6/3, यानी 6 में 3 से डिवाइड देना है। तो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए कैसी कि जिसका 3 में मल्टीप्लाई हो और आंसर कितना दे दे 6। तो 3 में मल्टीप्लाई हो यानी नीचे वाली में, आंसर कौन सा है, ऊपर वाला। तो ऐसी कौन सी संख्या है, 1 हो सकती है क्या? नहीं, 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आता है। क्या 2 हो सकती है? यस 2 हो सकती है, क्योंकि 3 × 2 = 6, तो 6/3 क्या हो गया 2। तो जो डिवीजन बना है वो इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन से बना है, जो ऑपरेशन बना है। आगे इसको और डेवलप किया गया धीरे धीरे, इसी तरह डिस्कस करते हैं। देखो 0/1 ये क्या होगा? तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन वाली डेफिनेशन लगाते हैं, एक ऐसी संख्या हो, इसका आंसर क्या आएगा, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए यहाँ कैसी,
कि जिसका वन में मल्टीप्लाई करने पे आंसर जीरो है। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी जिसका वन में मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा? कोई भी आप संख्या ले लें, पाँच लेंगे वन में मल्टीप्लाई करेंगे पाँच आएगा, छः लेंगे तो वन में मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स आएगा। तो इन फैक्ट एक ऐसी संख्या यूनिक है वो है जीरो, कि जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, यानी कि यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी जीरो। तो जीरो अपॉन वन इनफैक्ट क्या होता है? जीरो। ठीक है, अब देखिए जीरो अपॉन टू डिस्कस करते हैं, ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरी लगाओ। तो यहाँ एक ऐसी संख्या आनी चाहिए, अभी हमने डिवाइड नहीं सिखा रहे, हम बता रहे हैं जो डिवीजन जो डेवलप हुआ है वो इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन से डेवलप किया है। कैसे? कि जीरो अपॉन टू क्या होगा? एक ऐसी संख्या होगी जिसका टू में मल्टीप्लाई करने पे कितना आए? जीरो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका टू में मल्टीप्लाई करने पे जीरो आएगा? जीरो। तो जीरो अपॉन टू कितना होता है? जीरो। तो क्या बताओ जीरो अपॉन थ्री कितना होगा? आपको ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका थ्री में मल्टीप्लाई करने पे जीरो आए? जीरो। तो आपने क्या सीखा यहाँ से? कि जीरो के नीचे कोई भी नेचुरल नंबर लिख दें, कोई भी इंटीजर्स लिख दें, कुछ भी लिख दें इंटीजर्स नेचुरल नंबर सिक्स सेवन नाइन जो भी है वो जीरो ही होता है। ठीक है, तो जीरो इक्वल टू कैसा है? जीरो देखो रूप बदल के बैठा हुआ है, कैसा है? जीरो इक्वल टू जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं? नहीं, यस लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो अपॉन वन भी तो जीरो होता है, अभी हमने देखा है ये क्या। क्या इसको जीरो अपॉन टू नहीं लिख सकते? यस, इसको वन माइनस वन भी तो लिख सकते हैं, कोई मना करेगा? इसको जीरो इंटू जीरो भी तो लिख सकते हैं, बहुत सारे रूप हैं इसके जो हमें सूटेबल है। हमें क्या करना है? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में देखना है। तो क्या देखो ये पी अपॉन क्यू नहीं बनना, चेक करते ना। तो पी अपॉन क्यू, पी कितना है? ये जीरो, क्यू कितना है? वन। क्या नीचे वाला जीरो है? नहीं है भाई, ऊपर वाला है, बच गए हैं बारीकी से। तो जीरो कैसा नंबर हो गया? जीरो इज ए रेशनल नंबर। तो जीरो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे पास रिजल्ट आया जीरो बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो जीरो कैसा नंबर है? एक रेशनल नंबर है। तो कोई एक आप इस बात को सोच सकते हो कि सर ये क्या होगा, वन अपॉन जीरो ये कैसा नंबर है, ये क्या है? बहुत से लोग कहते हैं ये इन्फिनिटी है या जो भी है, वॉट एवर, ये है क्या? देखिए वन अपॉन जीरो इज़ नॉट डिफाइंड। वाई? प्रॉब्लम क्या कर रहा था वन अपॉन जीरो? वन अपॉन जीरो देखो, वन अपॉन जीरो हमारी जो डेफिनेशन क्या होती है, वन अपॉन जीरो कैसा नंबर आना चाहिए? एक ऐसा नंबर आना चाहिए जिसको वन अपॉन जीरो अगर वन को जीरो के साथ ऑपरेट करें, ऑपरेशन क्या है? डिवीजन, यानी वन में जीरो से भाग दें तो क्या आएगा? यहाँ एक वो संख्या होगी जिसको जीरो से के साथ मल्टीप्लाई करने पे वन आए। तो ऐसी आप कोई कौन सी संख्या होगी यहाँ जिसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई करने पे वन आए? देखो जीरो के साथ आप किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आता है, वन तो नहीं आता। तो जीरो अपॉन वन क्या होगा? आंसर होगा इसका कुछ? कभी नहीं होगा। तो इसलिए कहते हैं ये भाई डिफाइन ही नहीं है, ये मिलेगा ही नहीं रिजल्ट। तो इसलिए इसको खेल से बाहर निकाल देते हैं कि तुम जाइए, यू आर नॉट डिफाइंड, यू आर नॉट एलिजिबल, आप नहीं हैं, आप जाइए। तो अच्छा फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है? जीरो अपॉन जीरो में क्या ये डिफाइन है? इसको डिस्कस करते हैं। तो जीरो अपॉन जीरो के लिए यहाँ एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, अपनी थ्योरी लगाते हैं कि कैसी, जिसका जीरो में यानी नीचे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करने पे कौन सी संख्या मिले? ऊपर वाली।
तो आप जानते हैं जीरो में किसी का भी आप मल्टीप्लाई करेंगे, इनफैक्ट जीरो आता है, तो जीरो अपॉन जीरो यहाँ वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, फोर भी आ सकता है, क्योंकि जीरो का वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, जीरो का टू में करेंगे तो जीरो, जीरो का थ्री में करेंगे तो जीरो। तो यहाँ से क्या हो गया, इसने तो खेल ही बिगाड़ दिया। जो यूनिकनेस है, जो आंसर कहते हैं ना, टू का थ्री में मल्टीप्लाई करने पे सिक्स आता है, अगर रिजल्ट पाँच छः आए, आप इनको आगे चल के समझाएंगे, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होते हैं एक फंक्शन होते हैं, तो इस बारे में आपको आगे सीखना है। फिलहाल इतना ही सीखिए, यूनिकनेस होती है ऑपरेशन में, वो यहाँ नहीं रही, इसलिए इसको भी हमने बाहर निकाल दिया, हमने नहीं, जो रिसर्चर थे उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। डेट इज़ जीरो अपॉन जीरो इज़ नॉट डिफाइंड एंड वन अपॉन जीरो इज़ ऑल्सो नॉट डिफाइंड, यानी जीरो कभी भी नीचे की तरफ लिखा हुआ है पी अपॉन क्यू में, डेट इज़ नॉट डिफाइंड, और जीरो अपॉन जीरो दिस इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। तो वन अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी रेशनल नंबर की जो कंडीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब हम फाइनली देखते हैं हमारे पास है क्या क्या। तो अब हमारे पास कौन कौन से सेट हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सॉरी यहाँ पहले डब्ल्यू लिखे हैं, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर डेट इज़ क्यू। ऑपरेशन हमारे पास कौन कौन से हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और भी है, एलसीएम भी है, एचसीएफ भी है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ये सारे ऑपरेशन हैं। बस मेनली हम जो आपकी सिलेबस का पार्ट है वो यही, इन चारों ऑपरेशन को डिस्कस कर रहे हैं हम इन सेट पर। ये तीन ऑपरेशन हम इन तीन सेट पर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बट ये जो सेट है और इन चारों ऑपरेशनों को डिस्कस करना है हमको। इससे पहले हमको ये भी जानना है कि क्या हर इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है, क्या हर रेशनल नंबर इंटीजर्स होता है, ये आपको हमें, आपका काम है, आपको हमें बताना है कि इनमें क्या रिलेशन है, ये आपका होमवर्क है। अब हम डिस्कस करते हैं, क्या टेबल बनाएंगे, वही हमारी टेबल बनेगी। अब हमारा देखिए सेट है रेशनल नंबर, ऑपरेशन लिया हमने एडिशन, और हमें चेक करना है क्या रेशनल नंबर एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोज होता है कि नहीं, यानी कि क्या चेक करना है कि दो रेशनल नंबर का एडिशन क्या अगेन ए रेशनल नंबर होता है। देखिए कोई भी रेशनल नंबर लें, आप फ्रैक्शन को ऐड करना जानते हैं, 3/4 प्लस 6/5 आप ऐड करेंगे इनको, कैसे ऐड करेंगे, नीचे लेंगे एलसीएम, 5/4 का एलसीएम 20, 4/5 = 20 डेट इज़ 15 आएगा यहाँ, और यहाँ कितना आएगा 24, और फाइनली जो आंसर हमारा मिलने वाला है वो मिलेगा 39/20। तो इनको ऐड किया हमने और ये हमको मिल गया ये नंबर, क्या ये रेशनल है, यस दिस बिलोंग्स टू क्यू, क्यों, क्योंकि ये भी इंटीजर्स है और ये भी इंटीजर्स है और ये जीरो नहीं है। तो कुल मिला के दो रेशनल नंबर का एडिशन अगेन ए रेशनल नंबर होता है, डेट इज क्या लिख सकते हैं हम, क्यू इज क्लोज अंडर एडिशन बिकॉज द एडिशन द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल
number. Okay, so Q is closed under addition because the sum of any two rational number is again a rational number. तो ये हमने डिस्कस किया, ठीक है. अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन हमारा हुआ सेट हमारा हुआ Q, ऑपरेशन हुआ मल्टीप्लाई. डिस्कस करते हैं क्या ये क्लोज्ड होगा, Q क्लोज्ड होगा अंडर दिस ऑपरेशन. तो आपको चेक करना है क्या दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई एक रेशनल नंबर होता है. कोई भी दो रेशनल नंबर आप ले लीजिए, जैसे 3/4 लिया मैंने, -6/7 लिया, दोनों रेशनल नंबर हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, माइनस साइन आएगा, 7 4 28. -18 एक इंटीजर्स है, 28 भी एक इंटीजर्स है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, 28 जीरो नहीं है, इसलिए दिस बिलोंग्स टू क्यू, दैट इज दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. तो आप कोई भी दो रेशनल नंबर लें, मैंने एक लिया 6/9, दूसरा रेशनल नंबर लिया 0, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, 0 इज ए रेशनल नंबर, दिस बिलोंग्स टू क्यू. मैंने लिया एक 5/9, ओके, इनटू 1, दिस इज व्हाट 5/9, दैट इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर. तो कोई भी दो रेशनल नंबर का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ रहा है, अगेन एक रेशनल नंबर मिल रहा है, दैट इज क्यू इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन. तो क्यू इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. यहाँ आप रीजन लिख सकते हैं, सिंस ऊपर जैसा रीजन, क्या रीजन लिखा है ऊपर, बिकॉज द सम ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, यही आपको लिखना है, बिकॉज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज अगेन ए रेशनल नंबर, देयर फोर क्यू इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है. ओके, अब हम लेते हैं यहाँ सेट लिया क्यू रेशनल नंबर, ऑपरेशन हमने लिया सब्ट्रैक्शन. चेक करना है क्या क्यू क्लोज्ड है अंडर दिस ऑपरेशन. यस, आप कोई भी दो एलिमेंट लें रेशनल नंबर और उनको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो अगेन ही रेशनल नंबर होता है, आप देख भी सकते हैं. जैसे मैंने लिया 3/4, ये ऑपरेशन लगाया, कोई दूसरा रेशनल नंबर लिया, आप कोई भी ले सकते हैं, -5/6, आंसर देखिए क्या आ रहा है, 3/4, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई, डेट इज प्लस 5/6, सॉल्व करके देखिए कितना आएगा, नीचे एलसीएम 24, सॉरी एलसीएम होगा इसका 12, ऐसे 24 से भी सॉल्व हो जाएगा. तो ये आएगा 9 और यह आएगा 10, दैट इज 19/12, और 19/12 में 19 और 12 दोनों इंटीजर्स हैं, 12 जीरो नहीं है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए ये रेशनल नंबर है. तो दो रेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन रेशनल आ गया, लेकिन ये इन दो से ही नहीं क्या, ये हमें हर का देखना है, हर दो रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करने पे क्या रेशनल आ रहे हैं. आ रहे हैं तो हम कहेंगे क्यू इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. तो हियर यहाँ क्यू इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट एनी टू रेशनल नंबर. रीजन क्या लिखेंगे, यहाँ आपको रीजन लिखना है, मैं नहीं लिख रहा, लिख लीजिए आप वीडियो को, सॉरी मेरी आवाज़ को सुन के, बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट एनी टू रेशनल नंबर वी गेट द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर. ओके, तो Q
क्यू क्लोज हो गया अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन। अब एक बचा डिवीजन, ठीक है, डिवीजन को और डिस्कस करते हैं। क्या क्यू डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोज है? बताइए, आपको सोचना है, सोचिए आप, क्या क्यू डिवीजन के रेस्पेक्ट में क्लोज है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम रीजन देते हैं, मैंने एक लिया रेशनल नंबर 2/5, डिवीजन का साइन लगाया और यहाँ लिख दिया 0। तो हमने ये पहले ही बताया था, किसी भी नंबर में 0 से भाग देने पे वो डिफाइन नहीं होता, दैट इज 2/y डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने बताया था कि a डिवाइडेड बाई b का मतलब है a ऊपर होता है, b नीचे होता है, यानी कि a में b से भाग देना होता है, यानी 2/5 में 0 से भाग देना है। और हमने भाग देने का जो डेफिनेशन बताई थी वो क्या बताई थी, कि a में b से भाग देने पर वो संख्या आती है जिसका b से मल्टीप्लाई करने पर a आए। तो 2/5 में 0 से भाग देना है, तो डेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो 2/5 में, या आप 2/5 ही क्यों लें, आप 2 ही लेना, 2 डिवाइडेड बाई 0, 2 रेशनल नंबर होता है, नहीं होता है ना, 2 को लिख सकते हैं 5-3, 4/2 भी लिख सकते हैं, 2 को 4/2 भी लिख सकते हैं, 5-3 भी लिख सकते हैं। तो 4/2 p/q की फॉर्म में, इसलिए 2 इज ए रेशनल नंबर, 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी रेशनल नंबर है। तो 2 रेशनल नंबर, 0 रेशनल नंबर, तो हमने ऑपरेट किया किसके रेस्पेक्ट में, डिवीजन के रेस्पेक्ट में। तो 2 में डिवाइड किया 0 से, और ये क्या होता है, इसका मतलब होता है 2/0। तो 2/0 इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड। तो क्या रिजल्ट क्या आया, 2 रेशनल नंबर हैं और उनको डिवाइड कर रहे हैं आपस में, तो रेशनल नहीं मिल रहा, तो क्यू इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। तो देयरफॉर रीजन हम लिख सकते हैं क्या, चूंकि 2 एंड 0 बिलोंग्स टू क्यू, एंड 2 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, therefore Q is not closed under division। division के respect में जो rational number है वो close नहीं होता, यानी layman term में क्या कहेंगे कि दो rational number को divide करेंगे, यानी एक दूसरे में भाग करके देंगे, ये आवश्यक नहीं है कि वो rational हों, क्योंकि 0 खेल बिगाड़ रहा है। तो कुछ बुद्धिमान लोग सोचे, भाई ये 0 को निकाल ही दो ना, अगर ये, या मैं ही आपसे कहूँ कि क्यू में से 0 हटा दो, तो एक नया सेट आप बनाओ जिसको हम कहेंगे क्यू डिफरेंस 0, और उस सेट के बारे में बताओ क्या वो क्लोज है कि नहीं अंडर डिवीजन। तो क्या हुआ, हमने सेट बनाया नया क्यू डिफरेंस 0, ऑपरेशन और ले रहे हैं डिवीजन, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये जो है सेट है हमारा क्यू डिफरेंस 0, ऑपरेशन है डिवीजन, हमें चेक करना है क्या ये सेट इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज है कि नहीं। अब तो क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि आप कोई भी दो रेशनल नंबर लें, ये सेट क्या है, ऐसे रेशनल नंबर जिनमें 0 नहीं है, सॉरी, ऐसे रेशनल नंबर हैं जो 0 के इक्वल नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर में से 0 को निकाल दिया, बाहर कर दिया, कि आप जाइए बाहर, ये जो रिमेनिंग सेट है, जो रिमेनिंग एलिमेंट का जो सेट है वो क्यू डिफरेंस 0 है, ऑपरेशन है हमारा डिवीजन। अब आप डिवाइड करके देख लीजिए, कोई भी दो रेशनल नंबर लें, 2/5 लिया, डिवाइड 6/9,
कितना आएगा? तो 2/5 या मल्टीप्लाई का साइन ये चेंज हो जाते हैं, 9/6 दैट इज 18/30। और ये कैसा है? दिस इज ए रेशनल नंबर, ये क्यू डिफरेंस 0 में बिलोंग करता है। ठीक है, आप कोई भी लें, 0 नहीं लेना, बस क्यू डिफरेंस 0 का लेना है, और क्यू डिफरेंस 0 में 0 नहीं होता। तो कोई भी 2 रेशनल नंबर लें जो 0 नहीं है, और उनमें अगर एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो वो एक अगेन रेशनल नंबर आता है, जो ऐसा रेशनल नंबर आता है जो 0 नहीं होता। तो आप यहाँ से कह सकते हैं क्यू डिफरेंस 0 इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन, रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज रीजन आपको पता है क्या रीजन है, कि अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट क्यू डिफरेंस 0 के लें और उसको इसके रेस्पेक्ट में ऑपरेट करें, यानी एक दूसरे में डिवाइड करके देखें, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी एक रेशनल नंबर मिलेगा, और ऐसा मिलेगा वो क्यू डिफरेंस 0 में होगा, यानी वो ऐसा रेशनल नंबर होगा जो 0 नहीं होगा। तो क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट यही आया, वी एक्सक्लूडेड 0 इन क्यू। यदि हम क्यू में से 0 को निकाल लें, दैट इज हम ये सेट बना लें क्यू डिफरेंस 0, तो वो क्लोज्ड हो जाता है अंडर डिवीजन। और अगर क्यू की बात करें, क्यू क्लोज है अंडर दिस ऑपरेशन, क्यू क्लोज नहीं है, क्योंकि 2/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर, क्योंकि दिस इज नॉट डिफाइन, हम पहले ही बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप हमको कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो आपको व्हाट्सअप नंबर आपको बता दिया है। इसके अलावा कल हम क्या क्या डिस्कस करेंगे ये हम आपको थोड़ा आइडिया देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ हमने कुछ सेट को डिस्कस किया, आगे और डिस्कस करते रहेंगे। इसके अलावा हमने रेशनल नंबर डिस्कस किया, उसके साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, और बताया कि डिवीजन ऑपरेशन कैसे मल्टीप्लाई से बना होता है। आप वीडियो को बार बार देखें, और जहाँ नहीं समझ में आ रहा हो उसको 2-3 बार सोचें, समझें, नहीं आता है तो हमको फ़ोन करके आप कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम जो नेक्स्ट वीडियो में, वो इम्पोर्टेंट होगी, उसमें अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो क्लोजर के बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, इनवर्स एक्जिम है, इनवर्स के बाद कम्यूटेटिव लॉ है, और देन आपको फिर एक्सरसाइज हम आपको कंप्लीट करने को दे देंगे। तो उम्मीद करता हूँ अगली 2 वीडियो में चैप्टर 1 फिनिश होने वाला है, आपको एक्सरसाइज देंगे, आपको वर्क करना है। जो भी प्रॉब्लम होगी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपको जस्ट अपना जो आपने क्वेश्चन किया है, सॉल्व किया है, उसको पिक उसका कैप्चर करके हमको सेंड करना है, और आपको हम उसके बारे में आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट यानी कि मटेरियल, स्टडी मटेरियल, और इसके अलावा चैप्टर 1 उसको कैसे डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। मैं गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद URL टाइप करना होगा, जो स्कूल का URL है वो है www.kcgacademy.blogspot.com। एंटर करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस तरह की साइट ओपन हो जाएगी। साइट ओपन होने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन कॉर्नर पे क्लिक करना है। ऑनलाइन कॉर्नर के बाद आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, कौन सा मीडियम है आपका, जैसे मैंने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है, जैसे 6th, 7th, 8th। फिलहाल इन्हीं के डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किए गए हैं, मैंने अपनी क्लास जैसे 6 सेलेक्ट किया।
उसके बाद यहाँ देखिए, ये है क्लिक यू हैव टू डाउनलोड चैप्टर 1 रेशनल नंबर, और नीचे ये दोनों वीडियो हैं रेशनल नंबर, ये लेक्चर फर्स्ट है, ये लेक्चर सेकंड है। और यहाँ लिखा हुआ है क्लिक यू हैव टू डाउनलोड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू लेक्चर 2 और 3, यानी जो लेक्चर 2 और 3 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं उनको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, इस पर करना है हमको क्लिक। इस तरह का पेज ओपन होगा, पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ जाना है सिंपली, और इस डाउनलोड पर क्लिक करना है। डाउनलोड पर क्लिक होने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल में, और उसके बाद फिर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके मैं दिखा रहा हूँ, और ये मैंने किया ओपन, इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो डाउनलोड फाइल आपके मोबाइल में किधर जाएगी, ये आपकी या तो मेमोरी चिप में डाउनलोड ऑप्शन में जा सकती है, या इंटरनल स्टोरेज में जा सकती है। वो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग फीड होती है, वो आप देख सकते हैं उसको। इसके अलावा अब सेकंड वाली लिंक पर हम क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक किया, उसके बाद फिर कहाँ जाना है, इस डाउनलोड ऑप्शन पर जाना है, ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा, वेट करना होगा कुछ इंटरनेट की स्पीड पर। डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होते ही यहाँ क्लिक करना होगा, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने आ जाएगा, ये हमने डिस्कस किया था उस दिन। ओके, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।